किसानों द्वारा अपनी स्टॉक की हुई सोयाबीन की बिकवाली करने से सोयाबीन की कीमतों पर दबाव बना था। फिर इसके बाद सेबी ने वायदा में कमोडिटीज पर बैन लगा दिया, जिससे और गिरावट देखने को मिली। जो सोयाबीन 6800 के बाद 6500 पर सस्टेन हो गई थी, वही सोयाबीन वायदा में सेबी के फैसले से धड़ाम होती नजर आई और नीचे 5600 तक गिरी थी। सोयाबीन के ये दाम देखकर किसानों में और मायूसी छा गई थी, लेकिन मंडियों में फिर से सोयाबीन की आवकों में गिरावट देखी गई। और उधर विदेशों में तेल तिलन के बाजार में तेजी, जिससे भारत में भी तेजी बनी। उसी का ही असर हम सोयाबीन वायदे की कीमतों पर पड़ता देख रहे हैं। विदेशों में आई तेजी घरेलू सोयाबीन वायदे की कीमतों पर भी देखी गई। वैसे भी भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अब ऐसे में अगर विदेशों में तेल तिलहन बाजार में जरा सी भी हलचल होती है, तो उसका असर भारत में भी तेजी मंदी के तौर पर देखने को मिलता है। वहीं सोयाबीन पर बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि सोयाबीन में उनके मुताबिक लंबी अवधि में तेजी का ही रुझान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी तेजी देखने को मिल रही है। विदेशों में सोयाबीन की फसल कैसी रहती है, इस पर अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं भारत में सेबी ने और सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उनसे थोड़ी गिरावट जरूर बनी है, जो कि अभी कुछ समय तक जारी रह सकती है। अजय केडिया के अनुसार सोयाबीन की कीमतों में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट या कोई बड़ी तेजी देखने को अभी फिलहाल नहीं मिलेगी। उनके मुताबिक सोयाबीन 5800 से लेकर 6400 के एक सीमित दायरे में कारोबार करेगी। अजय केडिया के मुताबिक देश में जितना भी सरसों का स्टॉक बचा हुआ था, अब वो इस्तेमाल में आ चुका है। सरसों की फसल अगले साल मार्च के महीने में आने की उम्मीद है। तब तक खाद्य तेलों की सप्लाई और मार्केट थोड़ी टाइट ही देखने को मिल सकती है, जिसका असर सोयाबीन की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है और सोयाबीन में तेजी बनती नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।